बड़ा एक्साइटेड हूँ। मेरे एक मित्र हैं यहीं बागबाहर से, उन्होंने रॉयल इनफील्ड हिमालयन ली है, तो उसका मैं अभी टेस्ट राइड करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन हिमालयन चलाने से पहले, उसके बारे में बताने से पहले, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ और एक चीज दिखाना भी चाहता हूँ। जो बताने वाली बात है वो ये है कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के प्रायोजक हैं वंडर शेयर फिल्मोरा। जिनको नहीं पता, फिल्मोरा एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। मैं वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो यूज किया करता था, लेकिन क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा पुराना है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, तो प्रीमियर प्रो थोड़ा सा इसमें लैग करता है, हैंग करता है, कई बार परेशान करता है। तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था कि अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है तो आप फिल्मोरा यूज करो। पुराने लैपटॉप में भी, थोड़े से कम पावरफुल लैपटॉप में भी काफी स्मूथली रन करता है, रेंडर वगैरह भी काफी फास्ट कर देता है। मेन तीन रीजन है जिसके कारण मैं फिल्मोरा यूज कर रहा हूँ। सबसे पहला तो ये है कि ये मेरे कंप्यूटर पे इजीली चल जा रहा है, रेंडर वगैरह सब बहुत फास्ट हो जा रहा है, स्मूथली ये काम कर रहा है। और दूसरा मेरा रीजन है, ये मेरे को सस्ता पड़ रहा है। प्रीमियर प्रो का जो मेरा सब्सक्रिप्शन था महीने का, 1350 रुपये, ऑलमोस्ट 1400 समझिए, और फिल्मोरा महीने का लगभग 700 रुपीज में। और तीसरी बात यह है कि मैं जिस चीज से डर रहा था कि नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीमियर प्रो के मुकाबले बहुत ज्यादा इजी है। जिसने कभी भी वीडियो एडिटिंग नहीं की है, वो भी अगर फिल्मोरा खोलेगा तो उसका इंटरफेस इतना इजी है कि आसानी से आधे घंटे एक घंटे में वो बेसिक एडिटिंग सीख जाएगा। तो ये मुख्य रीजन थे जिसके कारण मैं फिल्मोरा फिलहाल यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी यूज करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फिल्मोरा डाउनलोड कर सकते हो, ट्राई करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर फुल वर्जन भी आप ले सकते हैं। दूसरा जो चीज दिखाने वाली है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये दिखाने के लिए, और आप लोग गेस करो कि क्या हो सकता है। काफी दिनों से आप लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे, गेस करिए। टेंटेड है, डब्बा देख के, पैकेजिंग देख के आप समझ गए होंगे कि ये क्या होगा। इसको फटाफट खोलता हूं मैं। क्या बात है, ये प्यारा सा लेटर है YouTube की तरफ से, और इस लेटर में बेसिकली YouTube ने आपकी और हमारी बहुत तारीफें की है। और उसके अलावा एक बेहतरीन चीज है, देखिए आप कैसा लग रहा है। आप सबको शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतने समय से मेरे साथ बने हुए हैं और लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहेगा। काफी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं इसके साथ में, काफी रातों की नींद लगी है, काफी परिश्रम भी लगा है। सबसे बड़ी बात आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है इसके अंदर, तो थैंक यू वेरी मच। और ये है हमारा यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन, तालियां। अब चलते हैं सोनल भाई की हिमालयन उठाते हैं और थोड़ा सा चलाते हैं, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हैं। और ये शानदार बाइक है हमारे दोस्त की, मित्र की, छोटा भाई समझ सकते हो आप उनको, और काफ़ी टैलेंटेड हैं ये। आरजे का काम किया करते थे, आरजे वीजे एंकरिंग करते हैं, सोनल कुमार शर्मा जिनकी बाइक है। और बता सोनल भाई, आजकल क्या कर रहा है तू? फिलहाल तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, और अभी मैं मतलब AFT करके एक इंस्टीट्यूट आने वाला है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला हूँ। क्या बात, और पता नहीं इसके अलावा भी क्या क्या छुपी हुई प्रतिभाएं हैं इनके अंदर। शायरी भी करते हैं, गाने वाने भी गाते हैं। आपसे कमी है। दो इंस्टा प्रोफाइल है मेरी, एक जिसपे मैं थोड़ी बहुत मतलब पोएट्री करता हूँ मेरी आवाज, और मेरा जो प्रोफाइल है वो है बीइंग SKS। सलमान खान के फैन हुआ करते थे अपन किसी जमाने में। क्या बात, हम तो अभी भी हुआ करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बाइक की, है ना? बिल्कुल। अच्छा सोनल, ये बता बाइक कब लिया? बाइक 6 महीने हो चुके हैं हमारी बाइक को। हिमालयन ही क्यों लिया? हिमालयन बेसिकली ऑफ रोड और लंबे टूर के लिए हिमालयन सबसे बेस्ट गाड़ी लगती है। बेसिकली ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, और अपने फील के लिए है। का जो स्टाइलिंग है, डिजाइनिंग है, वो सब दिखाने के लिए नहीं है, सब प्रैक्टिकल है। हाँ। बाइक ऐसी है कि एक बार ड्रॉप भी हो जाए ना तो भी कोई डैमेज नहीं होगा इसमें। मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लगी सोनल,
इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 220 mm है, उसके बावजूद सीट की जो हाइट है बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, आदमी मतलब चला सकता है। मतलब मेरी हाइट अगर आप देखें तो 5-5 मेरी हाइट है, 5-5 इनकी हाइट है, और मैं बिल्कुल आराम से गाड़ी हर जगह चला लेता हूँ, ऑफ रोडिंग हो चाहे मेन रोड पे चलाना हो, मैं बहुत आराम से गाड़ी चला लेता हूँ। तो अगर 5 फीट 5 इंच का बंदा अगर ये गाड़ी आराम से चला ले रहा है तो फिर कोई भी चला सकता है, कोई भी चला सकता है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसके जो टायर्स हैं, खासकर ये जो टायर्स हैं इसका, ये जो चौड़ाई आप देखोगे काफी चौड़ा है, थोड़ा बहुत अगर स्लश हो, कीचड़ हो, वाटर क्रॉसिंग हो, कोई टेंशन ही नहीं है। बस आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि इस बाइक में आप बहुत ज़्यादा फास्ट चलोगे या फिर रेसिंग करोगे, ये लेजरली आराम से टूर करने के लिए है, रेसिंग के लिए नहीं है। आप 110 से प्लस में रहोगे तो शायद उतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है, क्योंकि ABS इस मॉडल में नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये इतना अच्छा टूरर है, जिसमें सिर्फ एक बात की कमी थी, भाई लोग पूछते थे कि आप हिमालयन सजेस्ट करते हो कि नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहा करता था कि अगर उसमें ABS होता तो बाइक परफेक्ट हो जाती। तो अभी हिमालयन में ABS भी आने लगा है, अगर आप लोग चाहो तो बिंदास ले सकते हो, मिनी टाइगर है ये, इसके अगर आप चाहोगे तो बहुत सारे आफ्टर मार्केट आप लोगों को एसेसरीज मिल जाएंगे, पैनियर्स मिल जाएंगे, आप अच्छे से अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो और फिर दुनिया घूमिए किसने रोका है। तो बस आज मैं कुछ ज़्यादा गोरा गोरा दिख रहा हूँगा, कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही होगी, तो ये भाई के फ़ोन पे ही व्लॉग हो रहा है, 1+6 है ये। बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, और सोनल भाई कोई मैसेज? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि भैया के जो वीडियोस हैं बहुत ही शानदार हैं, तो आप में से जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियोस रहते हैं चिंतामणि भैया के, और मैं तो फैन हूँ आपका। थैंक यू, मैं तो काफी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, मतलब शायद आपके पहले जो 10 सब्सक्राइबर रहे उनमें से मैं रहा हूँ शायद। हाँ यार, और बहुत पहले एक बार कमेंट भी अगर आपको याद भी हो तो जब आप लद्दाख से लौटे थे हम 3-4 घंटे बैठे थे और हमने बात की थी, बोला भी था कि यूट्यूब चैनल आप क्यों नहीं शुरू करते, जिससे आइडिया देने वाला ये भी है, काफी लोगों को मदद मिलेगी। तो क्या बात, आप इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस आइडिया को, मतलब देख के मजा आ जाता है। और उससे ज्यादा मजे की बात यह है, क्योंकि मैं भी इसी गांव से हूं और मैं भी बाहर बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर रहे, और चिंतामणि भैया जो यहाँ पे हैं जिनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है फिर भी इतना ज्यादा कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन जो कुछ है वही बहुत है सोनल भाई। नहीं नहीं, बहुत। और क्योंकि अब सोनल भाई ने बोल दिया है, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना, और सोनल का इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चेक कर लेना। इसी के साथ राइड सेफ, ऑलवेज बियर हेलमेट, जय हिंद जय भारत।